हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल TDP का एग्ज़ाम है और TDP का यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होने वाला है कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लें जिससे कि मतलब आप लोगों का बैक नहीं लगेगा और अच्छे खासे नंबर से आप लोग पास भी हो जाएंगे। TDP एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है आपके इस फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा और इसकी PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगी, उसका भी बात हम बता देंगे आप लोगों को लास्ट में। ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट बनाएं तथा सभी भागों को समझाएं। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, उसका लेआउट कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे बस बार हुआ और उसको कब स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है, इन सभी को आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से समझाना है, जिसका नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। AC तथा DC ट्रांसमिशन लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इसके लाभ एवं हानि लिखिए। AC ट्रांसमिशन और DC ट्रांसमिशन क्या है, जैसे HVDC HVAC है, हाई वोल्टेज पे DC को क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन भी करना है और उसके लाभ एवं हानि भी लिखना है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से क्या लाभ होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। जैसा कि आप लोग को अगर नोट्स लेंगे तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे वे में पता चल जाएगा कि हाई वोल्टेज पे जो है ट्रांसमिट अगर आप लोग कर रहे हैं पावर को, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। जैसे कि करंट वहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है, अगर आप लोगों की फ्रीक्वेंसी और पावर कांस्टेंट होती है तो करंट मिनिमाइज होने के कारण आप लोगों का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है और तरह तरह के भी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और तरह तरह के लाभ होते हैं, तो इन सभी को आप लोग अच्छे वे में जान सकते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इंसुलेटर क्या है तथा ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाले इंसुलेटर के नाम लिखिए। इंसुलेटर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रिंग इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है, तो इन सभी इंसुलेटर के टाइप्स के बारे में आप लोगों को टाइप्स के नाम लिखना है और एक से दो जो है इंसुलेटर के बारे में, जैसे पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में आप लोगों को विस्तार से वर्णन कर देना है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है, वर्णन कीजिए। कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन उसके इंडक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है, तो आप लोग नोट्स में अच्छे वे में फुल तरीके से पढ़ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या है तथा किसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालिए। स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं और किसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, उदाहरण के साथ आप लोगों को बताना रहेगा कि स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। वहीं पे बंडल कंडक्टर से आप क्या समझते हैं तथा इसके लाभ भी लिखिए। बंडल कंडक्टर क्या होता है और इसे 220 kV से ऊपर के वोल्टेज पे ही यूज किया जाता है बंडल कंडक्टर को, तो आप लोग जो है कि बंडल कंडक्टर के बारे में लिख सकते हैं। बंडल कंडक्टर क्या है और क्यों यूज किया जाता है बंडल कंडक्टर, न कि एक कंडक्टर यूज किया जाता है हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए। तो सैग क्या है, इसके सूत्र भी लिखे तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सैग क्या होता है और सैग में क्या ग्राउंड क्लियरेंस होता है, क्या स्पैन होता है और सैग क्या होता है, दो पुल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को विस्तार से लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है, जैसे कि सैग क्या होता है, ठीक है। यह सैग इज इक्वल टू होता है WL² / 8T होता है, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को ये सभी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है तथा यह कितना होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए और कब यह अच्छा होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कोरोना को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रभाव एवं लाभ एवं हानि भी लिखिए। कोरोना क्या होता है, कोरोना लॉस क्या होता है या कैसे जनरेट होता है और कैसे इसको कम किया जा सकता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर और इसके लाभ एवं हानि भी आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रांसमिशन लाइन में होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सी हानि होती हैं, टेक्निकल लॉसेस होती हैं, कौन सी हानि होती हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। केल्विन के नियम को समझाए तथा केल्विन के नियम की सीमाएं भी लिखिए। केल्विन का नियम लिखना है और उसकी सीमाएं भी लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का लेआउट डायग्राम बनाइए। अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 से आ चुके हैं हम लोग, जो है कि चैप्टर 2 में जो डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम का है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट कैसे होता है या कितने वोल्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से बताना है। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए आप लोगों से बोला जा सकता है कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए, जैसे 2-3 पॉइंट दे देगा, उसके उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे फीडर क्या होता है, सर्विस मैंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये सभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नोट्स ले कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कंडक्टर की साइज को पता करने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कंडक्टर को जो है उसकी साइज कितनी लगेगी, कितने वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें करंट को, वोल्टेज को, तो उसके हिसाब से कंडक्टर की साइज क्या होगी, इसको पता करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। अंडरग्राउंड केबल से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करना है। अंडरग्राउंड केबल क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, इन सब के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से जानना चाहिए। अंडरग्राउंड केबल के लाभ व हानि लिखिए। अंडरग्राउंड के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है, इसका जो है कि प्राइमरी कॉस्ट हाई होता है या इसकी हानि में आ जाएगा। लाभ में इसमें जो है कि शॉक लगने का डर नहीं रहता है, इसे भूमि के अंदर बिछा दिया, इसमें फॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं, ये सब लाभ में है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होने वाली हानियों के वर्णन कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप लोग कौन सी हानियाँ होंगी, वही टेक्निकल लॉसेस होते हैं, टेक्निकल हानियाँ होती हैं, चोरी वोरी वाली हानियाँ होती हैं, लोग जो है कि टैपिंग करके चोरी करते हैं बिजली की, ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो वाला हानि होगा आपका। वहीं पे अंडरग्राउंड का फॉल्ट का पता कैसे लगाया जाता है, जिसमें मुरे लूप टेस्ट होता है एक, और एक वारली लूप टेस्ट होता है, दो लूप टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप लोग अंडरग्राउंड केबल का फॉल्ट का पता लगा सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, किस उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोग इन दो लूप टेस्टों के मदद से पता कर सकते हैं। सब स्टेशन से आप क्या समझते हैं, इंडोर एवं आउटडोर सब स्टेशन का वर्णन करना है। ये चैप्टर नंबर 3 में आ चुके हैं हम लोग सब स्टेशन के बारे में, ठीक है। इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पोल माउंटेड सब स्टेशन का डायग्राम बनाइए, ये तो कंफर्म है कि आ ही सकता है एकदम, क्योंकि पोल माउंटेड सब स्टेशन का जो है कि लगभग हर जगह प्रयोग किया जाता है और इसे जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसको जरूर पढ़ लीजिए। स्किन इफेक्ट को परिभाषित कीजिए तथा यह किन किन कारकों पे निर्भर करता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है तथा यह किन कारकों पे निर्भर करता है, और जो है कि स्किन इफेक्ट कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 33x11 के भी तथा 220x33 के भी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। वहीं पे पावर फैक्टर क्या है तथा निम्न पावर फैक्टर के क्या कारण हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है। पावर फैक्टर लगभग पूछा जा सकता है कि हाई पावर फैक्टर लो होने पे क्या नुकसान होते हैं और हाई होने पे क्या फ़ायदा होता है, और पावर फैक्टर कब लो होता है, कब हाई होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। पावर फैक्टर को कैसे अच्छा किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 25 है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टैटिक VAR कंपनसेटर तथा कैपेसिटर बैंक अथवा बैग पर टिप्पणी लिखिए। ये दो टाइप्स के जो है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के विधि हैं, जिसमें स्टैटिक VAR कंपनसेटर के द्वारा या कैपेसिटर बैग लगाकर पावर फैक्टर को सही किया जा सकता है। वहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, टेक्निकल लॉसेस तथा कमर्शियल लॉसेस को समझाइए। टेक्निकल लॉस क्या होता है और कमर्शियल लॉस क्या होता है, इन सबको समझाना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 28 है, ATS लॉस को कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को लिखिए। ATS लॉस क्या होता है, इसको आप इसके विभिन्न इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रयोगों को बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, किलोवाट और कलेक्शन इफिशियंसी को परिभाषित कीजिए।
आप वो टैरिफ वाले चैप्टर में आ जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 5th में। तो उसमें जो है कि किलोवाट और कलेक्शन इफिशियंसी को परिभाषित करना है कि कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना इफिशियंसी इनपुट में दिया जा रहा है, कितना आउटपुट में लिया जा रहा है, कितना इफिशियंसी मिल रही है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांसमिशन लाइन की अर्थिंग से आप क्या समझते हैं तथा इसके लाभ। ट्रांसमिशन लाइन को अर्थिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, इसके लाभ एवं हानि लिखना है। जैसे कि अगर कोई आकाशीय बिजली जो है ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो सबसे ऊपर जो है अर्थ वायर डाला जाता है, जिससे वह ग्राउंड में चली जाती है और ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान होने से बचाया जा सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, यही इन सब के लाभ हैं। और कभी भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो तुरंत वहाँ पे सारा करंट ग्राउंड में चला जाए। इन सभी चीज़ों के लिए ट्रांसमिशन लाइन को या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।